हाय गाइज, अभी हम जो है शेखपुरा ज़िले के श्याम सरोवर पार्क में आए हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पार्क का नज़ारा है। चलिए अब आपको मंदिर दिखाते हैं कि पार्क की खूबसूरती क्या है और ये पार्क क्यों प्रसिद्ध है। आपको हम मेरे साथ बने रहिए, आपको हम इस वीडियो में पूरा दिखाते हैं। तो श्याम सरोवर पार्क है, यदि आप पटना से आना चाहते हैं तो लगभग पटना से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको डायरेक्ट जो है पटना से बस मिल जाएगी और आप जो है डायरेक्ट यहाँ से मेन रोड पर ही आप देख सकते हैं। पीछे रोड भी है, डायरेक्ट पटना से आपको बस करना है और बस करके आप जो है सीधे इस श्याम सरोवर पार्क में आ सकते हैं। अभी जो है हम पार्क में प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा कोरोना की महामारी है और भी चीज़ें हैं, तो पार्क में हमें तो लोग कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है पार्क का जो दृश्य है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और शायद कुछ पार्क में अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, आप शायद देख सकते हैं मेरे पीछे। लेकिन आप किसी भी आप देख सकते हैं जो एक सुंदर पहाड़ी है जो एक बहुत ही मनोरम दृश्य पैदा कर रही है। तो ये चूँकि अभी हम दोपहर में आए हैं, यदि आप सुबह के समय आएंगे तो पार्क की खूबसूरती आपको और ज़्यादा आकर्षित कर सकती है, क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड में हमें एक पहाड़ जो दिख रहा है जो कि एक अद्भुत लुक पैदा कर रहा है। पार्क के अंदर हम यह देख सकते हैं कि कुछ जो है छोटे मोटे बच्चों के खेलने के लिए कुछ सामग्री बनाई गई है। झूले भी थे शायद, तो अभी सही कंडीशन में नहीं है, लेकिन कुछ जिम वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हैं जो कि एक बेहतर लुक प्रदान कर रहा है पार्क को। छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए एक यहाँ पर झूला का भी निर्माण किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि इस पार्क का नाम है श्याम सरोवर पार्क, तो लाजमी है कि इसके अंदर एक सरोवर ही बना होगा। तो चलिए आपको हम उस सरोवर का दृश्य दिखाते हैं जो कि मेरे अभी सामने है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से एक सरोवर का निर्माण किया गया है। और ठीक सरोवर के पीछे जो आपको हम पहले जो पहाड़ दिखा रहे थे वो एक अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। तो जब भी आप यदि शेखपुरा आते हैं, तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको जो गिरिंडा पहाड़ी का दृश्य दिखाया था, तो गिरिंडा पहाड़ घूमने के साथ साथ आप इस श्याम सरोवर पार्क में भी कुछ समय बिता सकते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा जो कि आपको हम दिखाना चाह रहे हैं इस पार्क का जो है, क्योंकि पार्क में अभी जो है अभी पानी भरा जा रहा है, आप देख सकते हैं पानी का भी इसमें हो रहा है। फिर गर्मी की वजह से कुछ पानी इसमें कम हो गया है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा फिर से इसे पुनः किया जा रहा है, जो एक बेहतर नज़ारा पैदा कर रहा है। आप लगातार मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहे। अभी हम जो है श्याम सरोवर पार्क में आए हुए हैं, ये महीना जो है मार्च का है और आज है 31 मार्च। तो यदि चूंकि आप यदि सावन या भादो का जो महीना जो होता है उस समय यदि आप आएंगे तो उस समय पार्क पूरा हरा भरा रहेगा। और जो पीछे का जो एक पहाड़ी का दृश्य जो आप देख सकते हैं, जो बाबरा को हम इस व्लॉग में दिखा रहे हैं, जो इस पार्क को और भी सुंदरता प्रदान करता है। और शायद इसमें दूर हमको एक नज़र आ रहा था, आपको भी दिख रहा होगा, कुछ बच्चे इसमें बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं। तो जब बात यदि आप शेखपुरा आते हैं तो इस पार्क को घूमना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको शेखपुरा की जितनी भी चीज़ें आपको सबको दिखाने का प्रयास किया जाए। लगातार आपको हम व्लॉग के माध्यम से सब चीज़ों को दिखा रहे हैं ताकि आप शेखपुरा से दूर हैं लेकिन इस वीडियो को देख करके अपने ज़िले को आप याद कर सकते हैं। अभी जो है हमारे साथ शेखपुरा ज़िले के ही राघव माझी जी हैं। चलिए हम उनके साथ आपको बताते हैं कि इस पार्क की खासियत क्या है और इसका निर्माण कब किया गया। तो राघव माझी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप चूंकि शेखपुरा के हैं तो इस पार्क के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पार्क कब बना, इसकी खासियत क्या है और इसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या था। मकसद मेरा यह हुआ कि इस पार्क का निर्माण 2013-14 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया और इस पार्क का शेखपुरा ज़िला में बहुत बड़ा महत्व है और हमारे शेखपुरा ज़िला में यही एक पार्क है जहां हम लोग सब लोग घूमने के लिए आते हैं। और बगल में जो है सर्किट हाउस है जहां कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई चीज़ का प्रोग्राम जो है आते हैं तो ज़रूर यहां एक नज़र देख लेते हैं। इसलिए श्याम सरोवर पार्क जो हमारे शेखपुरा ज़िला का बहुत सुंदर पार्क है।
आज सरकार हमारी बिहार सरकार जो इसको इसका राशि मरम्मत कर लिए, हर साल या मुहैया कराते रहते हैं मरम्मती के लिए, इसको बहुत बड़ा योगदान है इसमें जी। कोई ऐसा दर्शक जो शेखपुरा का नहीं हो और शेखपुरा में आना चाहता हो तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि श्याम सरोवर पार्क के अलावा शेखपुरा में वो कौन कौन से जगह है जहां पर कोई आकर के घूम सकता है? एक तो पार्क हो गया, इसके अलावा और कोई जगह भी बता सकते हैं? हाँ, और है, और हमारे यहाँ मथी है, क्या बोलते हैं, मटोखरदास सूबी संत का दरगाह है, वहाँ भी देखने लायक है। दूसरा नंबर है इंदा का पहाड़, वहाँ भी बाबा शिव का मंदिर है, वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर एक मटोखर दाह है जो कि दरगाह है, और एक गिरिंडा का पहाड़ है। छोटे बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर झूले का निर्माण किया गया, कैसे बच्चे जो है इस पर पूरी एकदम मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हम कहेंगे कि बड़े बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन यदि आप छोटे बच्चों को साथ में लाते हैं तो बेहतर तरीके से देख सकते हैं कैसे बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप इस पार्क में भी बच्चों के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। कहा भी गया है कि किसी भी राज्य के लिए उसकी जो कला संस्कृति, उसकी जो अपनी परंपरा है, वो बहुत ही मायने रखती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो आपका ये श्याम सरोवर पार्क है, उसकी दीवारों पर बिहार सरकार के द्वारा बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है, जो कि आपको हम इस वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं। चूँकि ये पेंटिंग हमें लगता है कि लगभग साल भर पहले बनाता था, कहीं कहीं इसके रंगतों में कुछ कमी आ गई है, लेकिन जो इसकी कलात्मकता है, कलात्मक हमें आज भी वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि लग रहा है कि इसे तुरंत ही तैयार किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे जो बाउंड्री जो हमें दिख रहा है, जहां तक हमारी नजर जा रही है, चारों तरफ जो है पार्क की दीवारों पर एक बेहतरीन चित्रों का निर्माण किया गया है।